भाई आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है, ये व्हील में से आवाज़ आ रही है चलती हुई गाड़ी में, कभी बंद भी हो जाती है और फिर आती है उसमें। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा कि यह है किस चीज़ की आवाज़। ये मारुति की सियाज है, व्हील में आवाज़ है बहुत ज़्यादा। देखो भाई निकाल ले, इसको निकाल ले जा, व्हील में आवाज़ है। तो है किस चीज़ की आवाज़, घुमाइए उसको ज़रा, बस इसकी ना ये क्लिपर निकाल ले, बाहर निकाल दे क्लिपर, पैड निकाल ले जरा, ये तो ठीक है। मेरे को दिखाइए, पत्ती वाला है ना ये, हाँ ये पत्ती घिस चुकी है इसकी, ये पत्ती टच कर रही है इसमें। देखो डिस्क पैड तो बिल्कुल ख़त्म हो गया जी, ये डिस्क पैड की हार्डनेस भी आ गई है, इस चीज़ की भी आवाज़ है प्लेट पे जो है ना इसमें रगड़ के चल रही है, और पत्ती भी टच कर रही है चर चर करके जो आवाज़ आ रही है, जिसकी पत्ती होती है ये वाली, ये पत्ती टच कर रही है बिल्कुल ही। और बाकी इसमें प्लेट तो ठीक है, डिस्क रूटर ये ठीक है, इस पर एक बार लग के जो है साफ़ हो जाएगी, वैसे हम लेथ से ठीक भी करा सकते हैं टर्न वगैरह करा के, लेकिन ये ठीक है, रेग मार लगा के इसको कर देंगे ठीक, और पैड नए डालेंगे डिस्क पैड जो है, और वो आवाज़ बंद हो जाएगी उसके डालने के बाद में। तो अब डाल के फिर आपको बताते हैं कि भाई आवाज़ बंद हुई या नहीं हुई जो भी है। भाई डिस्क पैड लगाने से पहले जो डिस्क रूटर है ये वाला, इस पर हम रेग मार से इसको जो है पहले इसकी सीट जो है वो सही कर लेते हैं, क्योंकि चिकना हुआ है बिल्कुल, हार्डनेस आई हुई है। ये करना ज़रूरी है ताकि डिस्क पैड जो है वो सही तरह से पकड़ करेगा ब्रेक लगाने पे। दोनों तरफ जो है इसको किया जाएगा। अब ये डिस्क पैड जो है हमने MGP ओरिजिनल इसमें लगा दिए हैं, डिस्क प्लेट के ऊपर जो है रेगमार ढंग से भी लगा दिया है। इसको लगाते हैं हम, ये क्लिप पर इसके अंदर फिट कर देते हैं, लगा दे बोल्ट लगा दे, ये तो ठीक है, छोड़ो ये बोल्ट लगा के और फिर घुमा के दिखाइयो, घुमा दे भाई। अब इसमें कोई आवाज़ नहीं है, टायर बिल्कुल सही घूम रहा है, कोई ब्रेक जो है कहीं पे टचिंग नहीं कर रहे, कोई घिसावट नहीं आ रही, हमारी तरफ से गाड़ी ओके है। बाकी रोड पे चला के भी चेक कर लेंगे हम, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आपको बताएंगे।